इग्नियस रॉक्स, ये देखिए, ये इग्नियस रॉक्स की पिक्चर है। किम्बरलाइट, ग्रेनाइट, पायरोक्सीजनाइट, ये देखिए, पायरोक्सीजनाइट, किम्बरलाइट, ग्रेनाइट, ग्रैनोडायराइट, पेरिडोटाइट, उसके बाद हो गया डायराइट, ठीक है, पोरफायरी, पेगमेटाइट, साइनाइट, डुनाइट, ओके। सो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स हैं। नेक्स्ट, इग्नियस रॉक है वो बेसिकली जो मैग्मा होता है ना उसकी कूलिंग से बनते हैं। अब मैग्मा कहाँ होता है? जो अर्थ के अंदर, बिल्कुल अर्थ के क्रस्ट के अंदर क्या है, मोल्टन मटेरियल है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वहां पे कोई भी चीज सॉलिड नहीं रह सकती, तो वहां के जो रॉक्स है वो मोल्टन फॉर्म में है, मैग्मा की फॉर्म में है। अब क्या हुआ, कहीं पर ओपनिंग हो गई अर्थ के क्रस्ट में, इतना प्रेशर क्रिएट हो गया कि वहां से मैग्मा फ्लो होना शुरू हो गया। अब वो जो मैग्मा बाहर निकलेगा जब अर्थ की टेम्परेचर से उसका सामना होगा, तो बेसिकली वो सॉलिडिफाई हो जाएगा ना, तो वो सॉलिडिफाई होके जो बनेंगे रॉक्स वो उनको इग्नियस रॉक्स कहते हैं, ठीक है। और इग्नियस रॉक्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंट्रूसिव और एक होते हैं एक्सट्रूसिव, मतलब जो अर्थ के बिल्कुल सरफेस पे आके, ठीक है, बन गए हैं, जैसे कि वोल्केनो इरप्ट हो गया है, तो उसमें क्या होगा, मैग्मा बाहर आ गया ना क्रस्ट पे, तो वो जो रॉक्स होंगे उनको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं, जो वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से बनते हैं। और जो बिल्कुल अर्थ के क्रस्ट के नीचे, मतलब कि बिल्कुल अर्थ के क्रस्ट के नीचे ही बन रहे हैं, बाहर सरफेस पे नहीं आ रहे हैं, उनको इंट्रूसिव कहते हैं या प्लूटोनिक कहते हैं, ओके। यस, किसी को डाउट? ओके मैम। नो मैम, ओके। ये देखिए, ये देखो बेटा, ये मैग्मा है रोहित, देखो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये मैग्मा है ना, ये देखो कितना अंदर है। जब ये ऐसे टेम्परेचर पे आ जाएगा कि ये सॉलिडिफाई हो सके, जैसे से आप अर्थ की क्रस्ट की तरफ मूव करते हो तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता रहेगा ना, तो सॉलिडिफिकेशन के चांसेस बढ़ते रहेंगे। तो जब यहाँ पर इतना ही प्रेशर हुआ कि मैग्मा इस एरिया में पुश हुआ, तो यहाँ पर वो उसने कौन से बनाए, इंट्रूसिव रॉक्स बना दिए। और अगर वो इतने प्रेशर से निकल रहा है कि वो वोल्केनो की तरह सरफेस पे आ रहा है, तो वो इग्नियस एक्सट्रूसिव रॉक्स बना रहा है। क्लियर है आपको? यस मैम। ओके, तो ये साइकिल हम दोबारा भी पढ़ेंगे जब हम मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री पढ़ेंगे, अभी हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा, इसलिए मैं आपको इतना ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ जी, ये दे आर सिंपली रॉक्स फॉर्म्ड थ्रू हीटिंग देन फॉलोड बाय कूलिंग। अब ये इग्नियस रॉक्स कैसे बन रहे हैं? इग्नियस रॉक्स बन रहे हैं, पहले तो गर्म हो रहा है रॉक, जो अंदर रॉक्स हैं वो पहले पिघले, पहले हीटिंग हुई और उसके बाद कूलिंग हो गई, ठीक है। तो द हीटेड मटीरियल इज द मोल्टन रॉक विच इज मेड अप ऑफ पार्शियल और कम्प्लीटली मेल्टिंग ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टेंट रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट। तो मैंने आपको ये बताया कि अर्थ के जो क्रस्ट में रॉक्स है वो पहले मेल्ट होते हैं क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई होता है वहां पर, फिर उसके बाद वो मेल्ट होने के बाद क्या होगा, वो जब एटमोसफेयर, जब अर्थ के टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हीटिंग और कूलिंग से बन रहे हैं, और इनकी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, हाई इंटेंस हीट और हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से इसमें जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें इनके ऑल्ट्रेशन हो रही है, ओके। अब जो ये इग्नियस रॉक्स है, मैं आपको एक ब्रॉड व्यू दे रही हूं अभी यहाँ पर, कि ये जो इग्नियस रॉक्स है जब इनमें वेदरिंग होती है, टेम्परेचर प्रेशर चेंजेस होते हैं, इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं ये, तो ये बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं, इनके सेडिमेंट्स बनने शुरू जाते हैं, फिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। अब ये जो सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स है,
जब इनमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर चेंजेस होते रहेंगे फॉर सो मेनी ईयर्स, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स जो है वो हीटिंग और कूलिंग से बनते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो इग्नियस रॉक्स की वजह से बनते हैं, सेडिमेंट्स बनने की वजह से, और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स के ऊपर और भी ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर चेंजेस होने की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।